हमारी आशा। मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वो देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी हैं। इसी तरह आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु पवित्र आत्मा खुद ही ऐसी आहें भरकर जिन्हें शब्दों में नहीं बताया जा सकता हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला परमेश्वर जानता है कि पवित्र आत्मा का अभिप्राय क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है।